Hello everyone, my name is Spati, your English educator from Magnet Brains. So, in the last video, we finished the reading of our chapter, Expert Detectives, right? Which was a small excerpt from the book, The Broken Flute. And have you guys promised or not that you will read this book? Or read this novel because it's very nice, if you wish, okay? सो अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड मोर ओवर आई फील कि जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आप लोग को याद भी हो जाएगा एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स सो लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट क्वेस्टन इज वॉट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश अरेंज द इन्फॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो नाउ यू हैव अ लॉड ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर दैट uh, इसमें जैसे इसमें सिर्फ वॉट वॉट ही ईट्स लिखा हुआ है सो so, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि निशाद को मिस्टर uh, नाथ के बारे में क्या क्या पता चला था रमेश से सो so, एक क्वेश्चन है व्हाट ही ईट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन ही ईट्स देन वॉट ही ड्रिंक्स एंड वैन एंड हाउ ही पेज सो ये फोर क्वेश्चन से हम इसको क्वेश्चन वाइज आंसर चेक करते हैं इसका सो so, निशाद फाइंड्स आउट द फॉलोइंग निशाद फाउंड आउट निषाद फाउंड आउट द फॉलोइंग अबाउट मिस नाथ फ्रॉम रमेश फर्स्ट थिंग ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स सो व्हाट ही ईट्स का आंसर क्या है दैट उनका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है ही इज़ नॉट स्पेसिफिक अबाउट व्हाट ही ईट्स ही ईट्स टू चपातीज दाल एंड अ वेजिटेबल सो कोई भी दाल चलेगी कोई भी सब्जी चलेगी करेले की भी चलेगी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन ही ईट्स वेन ही ईट्स का आंसर क्या है ही ईट्स इन द मॉर्निंग एंड ईवनिंग इतना सिंपल आंसर है कब खाते हैं वो एक बार सुबह खाते एक बार शाम को खाते हैं उसके बाद वॉट ही ड्रिंक्स एंड वेन क्या पीते हैं वो सो ही डजेंट ड्रिंक रू अफजा और फ्रूटी ही ड्रिंक्स टू कप ऑफ टी वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून सो वो दो कप चाय लेते हैं एक सुबह और एक दोपहर में What does Nishad found out about how he pays? So how he pays? He pays in cash and also gives tip to ramesh So he pays in cash. aur वो tip nahi dete wo tips bhi dete हैं. He gives tips to ramesh Now next question. Let's move on. अब second question क्या है? First question बहुत simple था. अगर ये question आता हो, किसी ने गलत किया ना, तो सोच लेना. ठीक है? Second question. वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज़ अ क्रुक हु डी से संडे विजिटर इज अब ये क्वेश्चन के दो पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन से इज फर्स्ट पार्ट से इज कि माया को क्यों लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रिमिनल है और सेकेंड इज कि वो जो संडे को उनको विजिट करने आते हैं वो कौन है माया थिंक्स डेट मिस्टर नाथ इज अ क्रुक बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इवन आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अयर एट द प्लेस फर्स्ट पॉइंट क्या है क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं जबकि वो ऑलमोस्ट मोर देन अयर वो शंकर हाउस में रह रहे, रहे हैं उसके बाद भी उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है फर्स्ट पॉइंट डन सेकेंड पॉइंट क्या है ऑल्सो टॉक टू एनी वन एंड डज नॉट हैव एनी विजिटर्स एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द विजिटर हु मीट्स ऑन विज नाउ सेम एंड नो बड़ी विजिट्स हेम सो ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड उनके कोई भी विजिटर्स नहीं है तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया कि वो किसी से बात नहीं करते थर्ड पॉइंट हो गया कि उनके कोई विजिटर्स नहीं है और एक्सेप्ट फॉर वन विजिटर हु विजिट्स हिम ऑन संडेज अब वो संडे के विजिटर के बारे में क्या कह रही है शी सेज दैट द संडे विजिटर इज़ हिज़ पार्टनर इन क्राइम एंड विजिट्स हिम ऑन संडेज टू गिव हिम हिज शेयर ऑफ मनी सो संडे विजिटर के बारे में शी सेइंग दैट ही इज़ हिज़ पार्टनर इन क्राइम ये हो गया संडे विजिटर का फर्स्ट पॉइंट एंड वो क्यों विजिट करते हैं टू गिव हिम है शेयर ऑफ मनी ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट सो आंसर की लेंथ प्लीज़ मत देखना हमारे पास बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं इसमें फर्स्ट इज़ उनको क्यों लगता है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो एक क्रिमिनल है फर्स्ट पॉइंट बिकॉज ही हैज़ गॉट नो फ्रेंड्स ठीक है ही हैज़ बिन लिविंग एट शंकर हाउस फॉर मोर देन एन ईयर बट उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है सेकेंड उनको वो किसी से बात नहीं करते एंड उनके कोई विजिटर्स नहीं है ओके सो फर्स्ट ही हैज़ नो फ्रेंड्स ही हैज़ स्पेंड अ ल लॉर्ड ऑफ टाइम एट दैट प्लेस बट स्टिल ही हैज़ नो फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट ही डजेंट टॉक टू एनी वन थर्ड पॉइंट उनके कोई विजिटर्स नहीं है और जो उनका विजिटर है ही इज एज पार्टनर इन क्राइम जो कि कम टू विजिट हिम ओनली टू पे हिज शेयर ऑफ मनी उनके हिस्सा देने के लिए वो आता है लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डज निशद अग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ हाउ डज ही फील अबाउट हिम क्या निषाद माया के साथ अग्री करता है क्या उसको भी लगता है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं सो ऑब्वियसली यही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि निषाद के हिसाब से मिस्टर नाथ इज़ नॉट अ क्रिमिनल नो निशाद डज नॉट अग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ ये तो हमने पूरा अपने क्वेश्चन से ले लिया राइट ही थिंक्स डेट मिस्टर नाथ इज लोनली एंड पुअर पर्सन हु इज स्टारविंग उसके हिसाब से मिस्टर नाथ लोनली हैं एंड पुअर हैं और वो स्टार कर रहे हैं ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं दीज आर द की वर्ड्स लोनली पुअर एंड ही इज स्टारविंग he thinks that Mr. Nath is a kind person who, despite having less money for himself, gives tips to Ramesh. उसके हिसाब से Mr. Nath क्या है वो बहुत kind person है ठीक है He is a kind person. डिस्पाइट मतलब बावजूद इसके कि उनके पास बहुत कम मनी है खुद के लिए वो उसके बाद भी रमेश को काफ़ी सारी टिप्स देते हैं मतलब उसको बहुत अच्छे से टिप करते हैं उसको पैसे देते हैं सो so, हमारा आंसर बहुत सिंपल है निषाद अग्री नहीं करता उसके हिसाब से वो कैसे हैं वो लोनली हैं वो पुअर हैं और वो स्टाव कर रहे हैं एंड ही इज़ अ काइंड पर्सन जब उनके पास खुद के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है उसके बाद भी वो रमेश को अच्छे से टिप्स देते हैं ओके नेक्स्ट इज अब ये जो वर्ड है टिप द वर्ड टिप हैज ओनली थ्री लेटर्स बट मेनी मीनिंग टिप इसके बहुत सारे मीनिंग मैच दर्ड विदर टिप्स example, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है द टिप ऑफ योर नोज राइट टिप द वॉटर आउट ऑफ द बकेट है टिप ऑफ योर टांग एंड टिप द बोट ओवर्स तो टिप जो है जब हम इसे एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं किसी भी फ्रेज में यूज करते हैं तो टिप है तो सिर्फ थ्री लेटर का वर्ड बट उसमें बहुत सारे मीनिंग्स फॉर्म होते हैं तो अब हम सीधा इसके मीनिंग्स में जाते हैं सो so, यहाँ पे आ जाते हैं सो फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है द एंड ऑफ वंस फिंगर्स ये जो हमारे एंड हैं फिंगर्स के उसको हम कहते हैं फिंगर टिप फॉर एग्जाम्पल आई हैव अप्लाइड समथिंग ऑन माई फिंगर टिप ऑल ऑल दीज आंसर्स आई हैव लर्न देम वेल दीज आर ऑन माई फिंगर टिप्स मतलब मैं तो एक बार में यू ही बता सकता हूँ सो फिंगर टिप का आंसर होता है द एंड ऑफ वंस फिंगर्स टिप ऑफ यूर नोजटेड एंड ऑफ योर टिप ऑफ यूर नोइंटेड एंड ऑफ यूर नोज अब इसको हम यूजलीस में कैसे यूज करते हैं तो हमेशा गुस्सा नाक पे चढ़ा होता है टिप ऑफ हिस्स नोज उसका जो गुस्सा है इज एट दिप ऑफ हिस्स नोज मतलब कुछ हुआ नहीं सबसे पहले गुस्सा सामने आ जाता है द टिप द वॉटर आउट ऑफ द बकेट एम टी बकेट बाई टिंग इट टिप द बकेट टिप द वॉटर आउट ऑफ द बकेट मतलब जो आपका बकेट है उसको आप टेढ़ा कर दो उसको टिल्ट करो सो दैट द वॉटर कैन गो आउट खाली करना है अगर बकेट को सो टिप का मतलब यहाँ पे क्या होता है खाली करना नेक्स्ट इज है टिप ऑफ योर टंग Be about to say something. For example, हम कभी खोलते ना अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली या ये तो मैं कहने वाली थी सो इन इंग्लिश हाउ डू वी से अरे दैट वॉज ऑन द टिप ऑफ Or you कैन से द सेम सजेशन was ऑन द टिप ऑफ my टंग इसको usually यूज करना कैसे यूज करोगे दैट लाइक सपोज आई आस्क यू से अरे मैम दैट द आंसर वाज ऑन द टिप ऑफ माय टंग मतलब मैं तो बस कहने ही वाली थी ओके okay?

हम कभी किसी को टिप क्यों देते हैं उसका मतलब होता है जैसे हम उनसे बहुत खुश हैं हमें उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वेटर को टिप देते हैं इफ ही हैज सर्विस ड वेल सो टू थैंक हिम राइट नेक्स्ट वन इज द टिप ऑफ द बैट द एंड ऑफ द बैट टिप ऑफ द बैट मतलब जैसे आपके पास ये अगर पूरा एक बैट है क्या बैट बनाया है मैंने सो दिस इज द टिप ऑफ द बैट ओके Now the police were tipped off. The police were tipped off. यहाँ पे टिप का मतलब क्या होता है कि पुलिस को खबर मिली थी उनको उनके जो खबरी थे उन्होंने खबर दी थी तो उनको एक वार्निंग मिली थी उनको एक uh, टिप मिली थी सो so, the पुलिस were tipped ऑफ का मीनिंग हो जाएगा द पुलिस or टोल्ड और you टेक my टिप यहाँ पे टिप का मतलब क्या होता है इफ़ यू टेक माई एडवाइस और माई सजेशन

सो so, वो जो बोरिंग पार्ट होता है ना गेम का क्रिकेट का सो so टिप करना मतलब उसको बस टच कर देना सो दैट यू कैन डिस्ट्रैक्ट द बॉल सो दिस इज द बैट टिप द बॉल अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछ लेना लेकिन एग्जाम में कोई गलती करके मत आना नेक्स्ट वन इज द वर्ड्स हेल्पर कंपेनियन पार्टनर एंड हैव वेरी सिमिलर मीनिंग बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज इन सर्टन फ्रेजेस कैन यू फिल इन ब्लैंक बिलो वि मोस्ट कॉमनली यूज आ डि ये जो वर्ड है कंपेनियन मतलब काम करता है और आपकी हेल्प करता है पार्टनर मतलब जो आपके साथ काम करता है आपकी हेल्प करता है एंड अकम्पल इज ऑल्सो द सेम लेकिन क्या हम बोलते हैं ये मेरा बिजनेस पार्टनर है या हम बोलते हैं ये मेरा बिजनेस हेल्पर है सो so, हम डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं राइट right? सो so, अब हम क्विकली देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे फोर वर्ड्स हैं सो एट ओके सो वी हैव गॉट टोटल एट वर्ड्स लेट्स सी बिजनेस के साथ क्या आएगा बिजनेस पार्टनर सो ये मेरा बिजनेस पार्टनर है माई डैश ऑन द जर्नी अगर जर्नी में आपका साथ ही होता है जैसे हम बोलते हैं कंपेनियन आई एम मदर्स लिटिल हेल्प मतलब मैं अपनी मम्मा की छोटी सी हेल्पर हूँ अ फेथफुल डैश सच इज अ डॉग अब यहाँ पे फेथफुल के साथ क्या आएगा अ फेथफुल कंपेनियन तो हम सीधे इसमें आंसर्स में चले जाते हैं अ फेथफुल कंपेनियन सच इज अ डॉग फाइंड अ गुड हेल्पर जैसे अगर आपको घर में मेड चाहिए तो हम बोलते हैं फाइंड अ गुड हेल्पर टेनिस गोल्फ ब्रिज पार्टनर अगर आपके साथ कोई खेलता है तो अपन क्या बोलते हैं अरे वो तो मेरा टेनिस पार्टनर है या वो मेरा क्रिकेट पार्टनर है या वो मेरा गोल्फ पार्टनर है हिज अकम्पलिस इज हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज अब अकम्पलिस कहाँ यूज होता है जहाँ पे अ पार्टनर बट इन क्राइम सो ऐसे जाके मत बोलना वहाँ पे कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है ही इज माई तो पता चल जाएगा वो तुम्हारे सारे जो क्राइम्स तुम करते हो उसका वो तुम्हारा पार्टनर है जितनी भी तुम अपनी मिस्चीवियस हरकतें करते हो ना उसमें वो तुम्हारा पार्टनर हो जाएगा उसको फ्रेंड ही कहना या कंपेनियन कहना नेक्स्ट वन इज़ नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट थ्री अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड अब जैसे हमने लास्ट वर्ड कौन सा डिस्कस किया था टिप सिमिलरली जो वर्ड ब्रेक है इसके भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं अब हम उन्हें चेक करते हैं राइट सो आई डायरेक्टली गो टू देंसर्स सो फर्स्ट है द्रोक द स्टॉम ब्रोक मतलब अचानक से तूफान आया ओके सो दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड द स्टोम ब्रोक एंड एंडेड यहाँ पे द स्टॉम ब्रोक का एक्चुअली मतलब होना चाहिए कि जैसे द स्टॉम ब्रोक का मतलब होता है कि वो आ गया वो एकदम से आया तो यहाँ पे दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड एंड स्टॉर्म केम डे ब्रेक मतलब क्या होता है सुबह की शुरुआत द बिगनिंग ऑफ डे लाइट हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक मतलब क्या होता है चेंजिंग एज ही ग्रोज अप उसकी जो वॉइस है इट्स बिगनिंग टू ब्रेक का मतलब होता है कि उसकी जो वॉइस है अब वो चेंज होता है जैसे आप बच्चे होते हो आप छोटे होते हो तो आपकी वॉइस बहुत बच्चों जैसी होती है अब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी वॉइस में एक हैवीनेस आ जाती है एक भारीपन आ जाता है तो हिज़ वॉइस ब्रोक का मतलब होता है हिज़ वॉइस चेंज एज ही ग्रोज आप अच्छा इसका एक और भी एक सिंपल मीनिंग होता है जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन फोन एंड यू से योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो डजेंट मीन कि तुम्हारी वॉइस चेंज हो रही है दैट मीन्स डैट कुछ कनेक्शन इशू है और तुम्हारी जो वॉइस है वो डिस्टर्ब हो रही है या इंटरमीडेंट तरीके से आ रही है हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड यहाँ पे इसका क्या मतलब है उसका गला भर आया कुड नॉट स्पीक टू टू स्पीक हर वॉइस ब्रोक जैसे आपका गला भर आता है तो क्या होता है हम बोल नहीं पाते राइट right? तो हर वॉइस ब्रोक का मतलब यहाँ पे है दैट शी वॉज सो सैड दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक वाई बिकॉज शी वॉज अबाउट टू क्राई शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग दिट वेव ब्रोक हीट वेव ब्रोक का मतलब क्या होता है इट बिग्न और हीट वेव थी वो स्टार्ट हो गई जैसे कि अभी समर्स आने वाले हैं सो मे में जब वो नौ तपे आते रहते हैं तब क्या होगा तब एक हीट वेव चलेगी राइट द हीट वेव ब्रोक का मतलब हो जाएगा इट बिगेन और बोर्ड इट स्टार्टेड बेसिकली ब्रोक द बैड न्यूज Now, broke or break the bad news. Iska matlab hota hai kisi ko wo bad news dena? So, gently told someone the bad news. So, someone, for example, if somebody passed away, so you will have to say this that you know, or kon bataye ka unko, unki family ko, somebody will have to break this bad news to them. Next is break a strike. End it by making the workers submit. मतलब ब्रेक द स्ट्राइक नाउ सपोज ऑल द द वर्कर्स आर आर स्ट्राइकिंग नाउ डेज फार्मर्स स्ट्राइकिंग सो हाउ डू वी ब्रेक देयर स्ट्राइक बाय लिसनिंग टू देयर डिमांड्स राइट द मशीन ब्रोक डाउन मशीन ब्रोक डाउन मतलब मशीन चलना बंद हो गई सो द मशीन अंडरवेंट अ सडन फिजिकल डैमेज मतलब उसमें कुछ तो हुआ एंड मशीन चलना बंद हो गई दैट इज द मशीन ब्रोक डाउन सो नाउ वर्किंग विथ राइटिंग पार्ट लेट्सार्ट हुक मिस्टर नाथ इज राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट हिम अब जितना भी हमने मिस्टर नाथ के बारे में पढ़ा उससे आपको क्या लगता है मिसर नाथ कौन है क्या आपको वाकई लगता है वो एक क्रिमिनल है या आपको लगता है वो कोई मे बी ही इज अ लोनली पर्सन जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी सो so, आपने हिसाब से यू हैव टू फॉर्म अ पैराग्राफ नाव लेट्स वॉट वी हैव लाइक वॉट वी हैव गॉड फॉर यू आई थिंक Mr. नाथ इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन हु इज़ प्रोबेबली नॉट ईटिंग वेल सो एज पर द लाइक entire थिंग what डिड आई राइट आई एम writing दैट मेरे हिसाब से मिस्टर नाथ इज़ जस्ट एनी अदर पर्सन ही इज़ एन ऑर्डिनरी मैन एंड मे बी ही इज़ नॉट ईटिंग वेल खाना आ गया है इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमने खा भी लिया है

वो पसंद नहीं करते वो लोग अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं और कैसे होते हैं जो किसी से भी जाके बात कर लेते हैं जो एकदम अपने मतलब मौजी होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी के साथ भी इंटरेक्ट करने में सो वॉट बी रिटर्न हेयर दैट ही माइट बी एन इंट्रोवर्ड एंड विच इज़ वाई ही डज नॉट फ्रेंड्स एंड विजिटर्स अब वो क्योंकि इंट्रोवर्ट है इसलिए उनके फ्रेंड्स और विजिटर्स नहीं हैं ही माइट एंजॉय बींग अलोंग दैन हैविंग कंपनी ऑफ मैनी अदर्स जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो उनको इंस्टेड ऑफ बींग कराउड एंड ऑल उनको ऐसा लगता है शांति सी कोई यू नो शांति वाली प्लेस हो एंड ही डजेंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ पीपल मे बी अ फ्यू ऑफ वेरी क्लोज पीपल अदरवाइज ही इज अ हैप्पी पर्सन लिविंग हलोन सो द सेम थिंग वी हैव रिटर्न हियर फॉर मिस्टर नाइन He is very lean because he does not take meals properly. मतलब वो काफ़ी दुबले हैं क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाते He is not even particular about the food. ये हमने सुना था जो रमेश ने कहा था कि वो कुछ भी खा लेते हैं He is not at all particular about the food. He just needs two chapatis, dal and a vegetable. So it can be any dal, it can be any vegetable. He consults Nishad's mother, Nishad's mother who is a doctor.

विच मेक पीपल थिंक दैट ही इज सम क्रूक उनके फेस पे स्कार्स हैं मे बी ही मेट विद एन एक्सीडेंट मे बी उनके साथ कुछ ट्रेजिडी हुई होगी सो ही हैज गॉट स्कार्स ऑन दिस फेस और उसकी वजह से लोगों को लगता है दैट ही इज अ क्रिमिनल बट द स्कार्स माइट बी ऑफ सम एक्सीडेंट द विजिटर हु कम्स एवरी संडे माइड बी अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज रिलेटिव हु कम्स टू एंश्योर दैट मिस्टर नाथ इज कीपिंग वेल अब जो संडे को उनसे मिलने आते हैं हो सकता है वो कोई फैमिली मेंबर हो या हो सकता है वो कोई क्लोज रिलेटिव हो जो सिर्फ उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं सो दिस इज हाउ वी रोट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट मिस्टर नाथ इफ यू वॉन्ट टू एड एनी इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इन योर माइंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट बट इफ यू डू यू हैव टू टू शेयर इट विद मी ओके नाउ लेट्स गो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर What else do you think Nishad and Maya will find out about him? How? Will they ever be friends? Think about these questions and write a paragraph or two to continue the story. Now basically these questions are where you have to think. Okay? So I'll just give you a small example and you can frame your own paragraph. So the question says that unko and pata about Mr. Nath ke mein? and will they ever be friends? Banenge? I think Nishad and Maya will find out that Mr. Nath is a good person but an introvert. So मेरे हिसाब से मुझे लगता है उनको ये पता चलेगा at the end of the story कि वो बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन हो सकता है वो एक introvert हो जो reserved रहते हैं They might even get to know that Mr. Nath is working from home because he does not keep well. So we all have been working from home because of this corona. हो सकता है उनका काम ही ऐसा हो जिसमें उन्हें work from home हो मे बी बिकॉज ही इज नॉट द रीजन ही उनकी बीमारी है उसकी वजह सिंस ही गो एंड मीट अ लॉट ऑफ पीपल और उनके पास विजिटर्स भी नहीं होते हैं उसलिए क्या होता है इसलिए दे माइट बिकम फ्रेंड्स लेटर इस्पेली निशाद, 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 निशाद आ, he,

So, maybe Maya, as of now, she thinks that he is a crook, he is a criminal. Later, she will get to know that Mr. Nad is a very good hai Or maybe she will regret her thoughts about him. That he has a very good So, this is our perception, and this is how we have framed this particular answer. And on this note, we are even done with the question answers of the chapter Expert Detectives i hope you understood it i hope you got it well now in the next video we are going to do the poem mystery of a fan mystery of a talking fan actually so as per the name there is something mystery right we'll get to know in the next video till that time stay tuned stay connected stay smiling you know keep smiling a big smile just like i smile always